हमारे देश में 30 करोड़ बच्चे हैं जो स्टूडेंट की रोल पे हैं। अगर उसमें मैं 9 से ऊपर के बच्चों को मैं कैलकुलेशन करूं, ये हो जाएंगे 9th, 10th, 11th, 12th और हायर एजुकेशन, इसमें लगभग हमारे देश में 12-13 करोड़ बच्चे हो जाएंगे जो विभिन्न स्थान पे पढ़ेंगे। ये पढ़ाई करते करते अगर स्टाइपेंड बेस्ड हैंड्स ऑन कुछ स्किलिंग उनकी आ जाएगी तब उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगी। इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप व्यवस्था की कल्पना किया गया है। मैं आप सभी को आज के अवसर पर बधाई देता हूं। उससे और बहुत बढ़िया बात है कि आपके आने वाले समय में अतुल जी ने इतना बढ़िया भवन बना ही लिया, उसका औपचारिक उद्घाटन शुरू नहीं हुआ, सब ट्रायल रन चल रहा है, स्किलिंग हो रहा है, उसमें से अपग्रेड हो रहा है। इसमें हॉल भी इसीलिए बनाया है और ये कंपेयर करने वाले और कोई बाहर से नहीं लाते, डिपार्टमेंट ऑफिसर को भी बुला लेते हैं, इनका भी स्किलिंग होती है, कॉम्पिटेंसी लेवल उनका भी बढ़ती है। आप चिंतन शिविर करोगे, मैं 2-3 अनुरोध करना चाहता हूं, मेरे मन की 2-3 बात आया कि मैं उसको सुझाव देना चाहता हूं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आई है सुब्रमण्यम जी की, जो थोड़े देर पहले हमारी भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी ने, आजकल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में काम करते हैं। उन्होंने आज आर्टिकल लिखा है, लिखा तो इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए मातृभाषा में किसी की अगर पक्का दखल होती है तब वो सेकेंड लैंग्वेज को ठीक से समझ पाएगा। अगर शुरू करेगा एक अलाइन लैंग्वेज से, नॉन मदर टंग से, ना उसमें भी दखियो होगा ना मदर टंग में दखियो होगा। आप देखो, ध्यान करो, कई समय में हमको अपने मातृभाषा का एक शब्द क्रिटिकल की, अगर मैं आपको हिंदी में ठीक से पूछूं, आप 2-4 मित्र ऐसे निकलेंगे जो उनको कहना थोड़ा इधर उधर होगा, पड़ना क्लिष्ट, कठिन, दिक्कत वाला, ऐसे कई शब्द आएगा। मित्रों, ये पूरा जिस दुनिया के लिए हमें रचना कर रहे हैं ये अप्रेंटिसशिप, इसमें तो बोल चाल की भाषा स्थानीय भारतीय भाषा ही होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो, तो तमिल भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, अहोमिया भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, इंग्लिश भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें इंग्लिश के 6 शब्द लगा ही दो। शुभम अभी बिहार से है ना, बिहार ऑलवेज स्पीक्स इन इंग्लिश, देन विल बी प्रूव योरसेल्फ, यू आर कॉन्फिडेंट। तो शुभम ने 2-4 इंग्लिश ठोका कि नहीं ठोका? शुभम आपको बधाई, तो कहना पड़ेगा ना, मैं भी जानता हूं ना। मित्रों, ये विषय पे आपके चिंतन शिविर में थोड़ा ध्यान दोगे, और कई विषय आपने चिंता, आपके अनुभव क्या है, और मैं उसमें कहूंगा इंडस्ट्री उसमें अपना खुल के मत बताए, इंडस्ट्री को क्या लगता है। अभी सरकार कोई रेगुलेटरी मोड पे नहीं है, पहले इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप ऐसे विषय पहले भी तो था, क्यों नहीं हुआ, क्यों अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ, लेबर डिपार्टमेंट के लोग यानी हमारी डिपार्टमेंट, अभी डीजीटी तो लेबर ही है ना, लेबर से अलग होके आई है, ये पहुंची तो फैक्ट्री वाला ताला लगा के भाग गया, ये बाप लेबर डिपार्टमेंट आया है, अप्रेंटिसशिप एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा देखने के लिए। इसलिए मोदी जी ने पहले आए अप्रेंटिसशिप एक्ट को सरल कर दिया, कंपल्सरी हटा दिया, वॉलंटरी किया। आपकी मदद से इस चिंतन शिविर में आप और क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी चिंता करो। मैं फिर आपको शुभेच्छा देता हूं, बहुत बहुत बधाई।